सर ने जो मराठी में कहा उसे मैं बस ट्रांसलेट करने का प्रयास करती हूँ। इन्होंने कहा कि अगर पानी की बूंद कीचड़ में गिर जाए तो उसका अस्तित्व मिट ही जाता है, मतलब वो कीचड़ जैसा बन जाता है। फिर कहा कि अगर वो पानी की बूंद किसी घास पे पड़ जाए तो एकदम उसे क्या कहते हैं, दव बिंदु, ड्यू, हाँ, ड्यू लाइक उसे अपीयरेंस आ जाता है। और अगर वही किसी अगर गर्म तवे पे अगर वो गिर जाता है तो उसका तो अस्तित्व ही मिट जाता है क्योंकि इवेपोराइज ही हो जाता है, उसका कुछ रहता ही नहीं। और अगर वही वो किसी सीपी में गिर जाए, मतलब अगर वो शेल में गिर जाता है तो उसका मोती बन जाता है। तो उनका कहने का मतलब सार यही था कि हम जिस लोगों के, मतलब जिस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं हम वैसा बन जाते हैं। तो इस एनवायरनमेंट को उन्होंने एक सीप का मतलब ये दिया है, हमें सभी को मतलब मोती बनने की अपॉर्चुनिटी मिली है, बस यही कहना। ऑनरेबल डायस, मैं प्रतीक्षा मेंढे, पूरे आज 29 दिन हो चुके हैं यहाँ पर। पहले दिन मतलब जब हम आए थे सभी, मतलब पॉइंट्स तो सब लोगों ने कवर कर लिए हैं, इनका कितना कोऑपरेटिवनेस है, इनकी कितनी स्ट्रेंथ है, सर में कितनी मतलब कोऑपरेटिव और कोऑर्डिनेशन की क्वालिटीज है, ये सारी चीजें तो हो ही गई है। लेकिन जो कुछ छूटा, मतलब छूटा तो नहीं, वो तो उन सब इसमें इंक्लूडिंग है ही, वो है हमारा ग्रुपिज्म का। जब हम आए थे एक दूसरे के को मतलब कभी देखा भी नहीं था, मैं तो मेरे डिस्ट्रिक्ट से पहले अकेली आई थी, बाद में कुछ सर भी ऐड हो गए थे। तो अप्रोक्सीमेटली 16 डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र के हम लोग आए हैं और एमपी के कुछ 5 जिलों से आए हुए हैं। तो ऐसे टोटल 40 कैंडिडेट्स यहाँ पे जब आए, फिर हमारा एक ग्रुप फॉर्मेशन हुआ। तो ग्रुप के लोगों को तो हम मतलब पहले जानते तक नहीं थे। पहले दिन शिवानी और मेरी मतलब मुलाकात हो गई थी, आने मतलब प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही दिन हो गई थी। फिर अब तक अगर हम सोचते तो हमारा ग्रुप मतलब इतना अच्छा फ्रेंडशिप, यस सर, यस, और नकल भी कर दिया वो तो चलता है सर। तो ये इतनी मतलब अच्छी फ्रेंडशिप बनी कि हमने मैंने तो कभी नहीं सोचा था। तो इसका मतलब ये बता रही हूँ सर, सार ऐसा है कि नागपुर का कोई एक भी कोना नहीं छूटा होगा जो हम लोगों ने नहीं देखा। मतलब जेंट्स लोग तो थोड़े कतराते थे, कुछ बोलते थे, हम उनको एनकरेज करना चाहते थे कि आप विदर्भ में आए हो, महाराष्ट्र में, सॉरी नागपुर में पहली बार जो भी लोग आए हो, प्लीज घूमो, अगर कुछ मतलब गाइडेंस चाहिए तो हम है और हमारे साथ तो गूगल है ही हमें मदद करने के लिए। उसकी मदद से हम पूरे के पूरा मतलब कोना छान मारा है नागपुर का, कुछ मतलब एक दो प्लेसेस छूट गई है जो कि आज भी नियोजित है। तो ये सारा था मतलब एक फ्रेंडशिप का माहौल यहाँ पे बना था। फिर वो तो बातें चलती रहती थी कि जैसे भी मतलब रेगुलर टाइमिंग में, वो टाइमिंग में आना, अपना जो भी लेक्चर्स है उसके मतलब पूरे ध्यान से नोट्स बनाना, नोट्स शेयर करना, ये सारी बातें तो रहती थी। और उसके बाद में जब भी हम इवनिंग में जाते थे अपने होटल, तो वहाँ पे भी कोऑपरेटिवनेस के साथ ही सब लोग रहे हैं, किसी को मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। छोटी मोटी ये मतलब ये तो चलती रहती है, उसमें उसको भी ओवरकम करके सभी यहाँ पे एक एज अ फ्रेंड जैसा मामला बन चुका है। और इसी मतलब इन टोटल 30 दिनों के लिए मैं तहे दिल से सभी ट्रेनिंग का, सभी मार्गदर्शकों का, वैसे जो भी यहाँ का टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो भी स्टाफ है उनका तहे दिल से मतलब थैंक यू उन्हें कहना चाहूंगी कि इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा एनवायरमेंट, वो भी मतलब क्योंकि हमें कैसे आगे बढ़ गए सर, मुझे 5 साल हो गए हैं डिपार्टमेंट में, वहां पर रहेंगे सीनियर्स, वहां पर रहेंगे जूनियर्स, और उनके बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं। उनके बीच में जो भी रिश्ता है वो कैसा है, उधर से ऑर्डर आया नीचे पे एकदम नीचे, मतलब हमारे पास आया तो हम भी नीचे वाले को वो ऑर्डर दे देंगे और इतने लिमिट में बस देना है, मतलब तात्काल, अति तात्काल, मतलब जल्दी, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो बस चाहिए। फिर वो कैसी हो, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके लिए एक्चुअल में लगने वाला टाइम कितना है, मतलब अभी भी जैसे कि सर्विस चल रहे हैं तो उसमें ध्यान में आ जाता है, किसी भी इसका अगर प्रॉपरली सर्वे करना हो तो एक स्पेसिफिक टाइम उसके लिए जरूरी होता है और उसकी मेथोडोलॉजी जो भी है, अगर ये इतना मतलब जल्दबाजी करेंगे तो डेफिनेटली वो जो क्वालिटी है वो तो डिटरेट हो ही जाएगी। तो लेकिन वो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन ये जो एक महीना गया इसमें सब ही मतलब जो भी पार
दूसरे दिन ऑब्जर्वेशन लेना डायरेक्ट जाके, मतलब सातवें दिन में लेना ही लेना है, उसमें कुछ कमतरता नहीं यार, मतलब उसमें कुछ हमने छोड़ नहीं दिया कि वो उसको मतलब स्किप कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं रखा हम लोगों ने। ये सारी बातें, बहुत सारी चीजें, मतलब नई चीजें सीखने को मिली है, एक्चुअल में एक्सपीरियंस लेने को मिला है इस इन सारे बातों के लिए, इन सारे एक्सपीरियंस के लिए मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।